उत्तराखंड में 2014 आम चुनाव के अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस बार अपने 2 सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को मैदान में उतारा था, लेकिन इसके बावजूद परिणाम उसके पक्ष में ही रहे। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने संसदीय राजनीति में पहला कदम रख लिया है। अल्मोड़ा से अजय टमटा ने जीत दर्ज की, तो वहीं टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की। नई सरकार के बारे में इनकी क्या राय है जानने की कोशिश की हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर प्रखर प्रकाश मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसी आंधी चली कि सब जगह कमल ही खिल गया, और खास तौर पे जिस भूमि से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो है उत्तराखंड, और वहां से 5 सांसद जीत गए हैं। 5 में से 3 हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब इन कंधों पर ज्यादा बोझ आ गया है। सबसे पहले मेरे संग तीरथ सिंह रावत जी हैं। तीरथ जी, आपको पहली बार आना हुआ है और आपने आज स्पीच सुनी है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको क्षेत्र के साथ साथ देश के लिए भी सोचना है। स्वाभाविक है, जनता का विश्वास और जनता ने जिन भावनाओं से मतदान किया और विकास कार्यों को लेकर के देश के हित में, राष्ट्र के हित में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, माता बहनों ने तो बहुत ही ज़्यादा है, जिस तरह मोदी ने जी ने प्रधानमंत्री ने विकास के कार्य आगे बढ़ाए उसको देखते हुए तो स्वाभाविक की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो विकास को लेकर के हमारी क्षेत्र की जिम्मेदारी, प्रदेश की जिम्मेदारी, देश की, तो वो हमारी बन जाती है कि उनके उसमें हम खरा उतरें और विकास कार्यों से सीधा सीधा जनता के बीच में आगे। पौड़ी का पलायन रोकना है आपको? निश्चित है, मैं कह सकता हूं कि आज पौड़ी नहीं तो उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की रही है और है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे हमको फोकस करना होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, तुम्हारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में उनका विशेष लगाव जुड़ाव, और 2 बार 3 बार केदारनाथ की धरती पे उतरना और वहाँ का पुनर्निर्माण सीधे सीधे अपनी निगरानी में, और यही नहीं तो चौमुखी विकास करने की बात स्वयं उन्होंने की। तो जिस तरह विकास कर, जिस प्रकार की योजनाएं और बजट फंडिंग उन्होंने प्रदेश को दिया है उसको प्रदेश सरकार ने बखूबी आगे बढ़ाया है, तो दोनों इंजन बड़े तेजी से आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग शरीक होंगे, आगे बढ़ाएंगे और पर्यटन कृषि की ओर लोग लौटे, क्योंकि जो बंजर भूमि है वो आबाद हो, इस ओर हमारा ध्यान रहेगा। शिक्षा स्वास्थ्य प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन उसको कैसे और आगे, जिससे कि पलायन रुकेगा, ये हमारा, मैं कह सकता हूँ कि पहली प्राथमिकता रहेगी।